देश के कई राज्यों में हो रही बारिश की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और जो टमाटर पहले 100 रुपए प्रति किलो हुआ करता था अब 200 के आंकड़े को पार कर चुका है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर के कारोबारियों का कहना है कि यमुना में बाढ़ आने के कारण जो फसल यमुना के किनारे थी उसके दाम बढ़ गए हैं, यानी कई और सब्जियों के दाम भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं। तो आसमान पर टमाटर के दाम 200 रुपए के हुआ पार और यही हाल बाकी सब्जियों की कीमतों का भी है। कितने का टमाटर लिया है आपने? अभी लिया मैंने 160 रुपए किलो लिया यहाँ। सर मार्केट में क्या रेट बिकेगा? मार्केट में 200-210 इसी भाव रखेंगे। तो लगातार टमाटर जो है महंगा होता है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी पता नहीं कहाँ तक जाएगा, पता नहीं है, लेकिन अभी तो रेट बढ़ता ही जा रहा है। खरीदने वाले भी सोच खरीद रहे हैं, जो 1 किलो 2 किलो खरीदे थे वो कहते हैं एक पाव दो। अब क्या किया जाए, महंगा इतना है। 200 रुपए मतलब शतक हो गया है टमाटर का। हाँ जी अब पहाड़ी समझ लो। तो टमाटर लगातार बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए भाव को देखते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार क्या कदम उठा रही है? दिल्ली से संवाददाता अमरीश पांडे बता रहे हैं। अमरीश जरा बताइए, लोगों को राहत देने के लिए सरकार कुछ कदम उठाने वाली है क्या? टमाटर को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है, जहां सरकार ने यह तय किया है कि वो उन इलाकों से जहां पे कि टमाटर की पैदावार ज्यादा है वहां से टमाटर खरीदेगी और उन जगहों पर जहां के टमाटर की क्राइसिस है, जहां के दाम ज्यादा बढ़ रहे हैं, उन जगहों पर सरकारी दुकानों के साथ सस्ते दरों पर वो टमाटर बेचेगी। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली NCR में शुक्रवार से टमाटर कुछ जगहों पर सस्ती कीमत पर उपलब्ध होगा और सरकार इनको अपने स्टोर्स यानी कि नेफेड के जरिए, NCCH के जरिए या फिर मदर डेयरी सफल जैसे स्टोर्स के जरिए, कुछ जगहों पर मोबाइल वैन्स के जरिए सस्ती कीमत पर बेचेगी। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार उस सस्ते टमाटर की कीमत हो सकती है 70 से 90 रुपए के बीच में। तो एक राहत की खबर आम लोगों के लिए ये है कि जहां वो टमाटर को 160 से 180 रुपए किलो खरीद रहे हैं, जहां अच्छे क्वालिटी के टमाटर लगभग 400 रुपए किलो भी कुछ जगहों पर बिक रहे हैं, उन लोगों के लिए राहत की खबर है कि वो 400 रुपए का जो टमाटर है वो उनको 70 से 90 रुपए के बीच में शुक्रवार ऑनवर्ड्स उपलब्ध हो जाएगा। तो ये अच्छी खबर है तमाम उन लोगों के लिए जो कि टमाटर की बढ़ती कीमतों से परेशान थे, जिनके किचन से टमाटर नदारद हो गया था, गायब हो गया था, या फिर जो जरूरत थी टमाटर की उससे कम मात्रा में वो टमाटर खरीद रहे थे। इसके अलावा सरकार ने यह भी तय किया है कि उन तमाम जगहों पर यानी कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन जगहों से टमाटर खरीदे जाएंगे और दिल्ली NCR समेत उन सभी जगहों पर टमाटर भेजे जाएंगे। इसके लिए सरकार ने अपनी जो एजेंसीज हैं NCCH और इसके अलावा नेफेड, इन दोनों को ये आदेश दिए हैं कि वो टमाटर के प्रोक्योरमेंट करें, यानी कि उन इलाकों से टमाटर खरीदें और उसका ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित करें उन तमाम जगहों पे जहां पे कि टमाटर की कीमतें ज्यादा हैं। और ये सारी प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है और शुक्रवार ऑनवर्ड्स ये कीमतें जो है आपको कम होती हुई दिखेंगी, यानी कि शुक्रवार को आप सस्ती कीमत में टमाटर खा सकेंगे। धन्यवाद करेंगे अमरीश ताजा जानकारी के लिए। तो वहीं हरियाणा के बहादुरगढ़ में टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर की कैरेट का जो थोक मूल्य है वो 3800 से लेकर 4000 रुपए तक है, जबकि खुला टमाटर सब्जी मंडी में 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दुकानदारों का कहना है कि दाम सुनते ही लोग सिर्फ 250 ग्राम टमाटर ही खरीदते हैं और टमाटर के बढ़ते दाम से अभी सब परेशान हैं।